વર્ષ 1971 થી 4 ડિસેમ્બરને નેવી ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. જામનગર નજીક આવેલ INS વાલસુરામાં નેવી ડેની ઉજવણી નિમિત્તે નેવી વીક ઉજવવામાં આવે છે, જે અંતર્ગત અઠવાડિયા સુધી વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાય છે. આ વર્ષે કોરોના મહામારીને કારણે નેવીએ હાફ મેરેથોન જેવા કાર્યક્રમો રદ કર્યા છે, પરંતુ આજે વાલસુરા નેવી મથકમાં નેવી બેન્ડના મ્યુઝિકલ કોન્સર્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મીડિયાના માધ્યમથી આ કોન્સર્ટ લોકો સુધી પહોંચે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. કોન્સર્ટમાં તમામ સરકારી ગાઈડલાઈનનું પાલન કરવામાં આવ્યું હતું. जैसा कि आप सभी को पता है, हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है. सन 1971 के भारत पाक युद्ध में इस दिन हमारी मिसाइल बोट्स ने कराची बंदरगाह पर मिसाइलों से हमला किया था, जिससे बंदरगाह को काफ़ी क्षति हुई थी और पाकिस्तान के युद्धपोत भी क्षतिग्रस्त हुए थे. तभी से हर 4 दिसंबर को हम लोग नौसेना दिवस मनाते हैं. अभी आप लोगों ने INS वलसुरा के बैंड का परफॉर्मेंस देखा. मैं आशा करता हूं आप सबको ये बैंड का परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद आया होगा. 4 दिसंबर को हम बीटिंग ऑफ द रिट्रीट सेरेमनी, पीटी ड्रिल, कंटिन्यूटी ड्रिल आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे. इसके साथ साथ ऑनलाइन माध्यम को यूज़ करते हुए एक ऑनलाइन पेंटिंग कंपटीशन का भी ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, जिसमें जामनगर के बहुत सारे स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं. करियर गाइडेंस फॉर यंग चिल्ड्रेन इज ऑल्सो बींग कैरिड आउट यूजिंग द ऑनलाइन मीडियम. आज का जो बैंड कंसर्ट था, ये हमारे INS वलसुरा के जो बैंड है उन्होंने ये प्रस्तुत किया था. वो काफ़ी दिनों से इस प्रोग्राम के लिए तैयारी कर रहे थे ताकि आप लोगों का भरपूर मनोरंजन हो सके. मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मीडिया के काफ़ी सारे लोग आज आए हुए थे और ऑनलाइन मीडियम में और प्रिंट मीडिया से पूरे स्वराष्ट्र के लोगों तक ये बैंड कंसर्ट आज पहुंचा है. कोरोना के होते हुए जो हमारा नेवी हाफ मैराथन होता है जामनगर में, इस साल हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए हैं. बाकी सब कुछ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ज़्यादातर ऑनलाइन मीडियम का सहारा लिया जा रहा है.